मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले 1962 की जंग याद करें, तब देश की हालत क्या थी। पहले पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हम शक्तिशाली हुए हैं। उन्होंने कहा, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। कटनी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रथम सत्र की शुरुआत हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीन के बयान पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पहले 1962 की जंग राहुल गांधी याद करें, तब देश की हालत क्या थी। चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था। राजीव गांधी के समय भारत को पिद्दी पिद्दी से देश डराते थे, लेकिन आज किसी की भी हिम्मत नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। अगर किसी ने आंख उठाकर हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे चीन के सैनिकों ने की, तो गर्दन तोड़कर चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। हमारी सेना का अपमान न करें। अब भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। पीएम मोदी ने ये कह दिया है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सारी दुनिया ने देखा। राहुल गांधी को पहले 62 देखना चाहिए था, उसके बाद बात करनी चाहिए थी। राहुल गांधी से, अरे भाई कौन है यार, पहले पूछना चाहता हूँ। 1962 भी याद कर लो राहुल गांधी, तब देश की हालत क्या थी। चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, अरे भैया चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। ये वाला हाथ नीचे कर लो। हमारी सेना का अपमान ना करे, केवल बातें ना करे। अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सारी दुनिया देख रही है। राहुल को पहले 62 देखना चाहिए, उसके बाद बात करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।